फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि प्रोबो एप्लीकेशन से पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कैसे करें। प्रोबो एप्लीकेशन से पैसा सिखाना आपको मैं इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ, तो कृपया आप इस वीडियो के अंदर जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले आप जब बैंक ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है, क्लिक कर मैं आपको देख रहे हैं यहाँ पर मेरा 19 रुपया भी जमा हुआ है, ठीक है, और मैं जो है कितना अर्निंग किया हुआ वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं मेरा ट्रांजेक्शन कितना हुआ, कितना अर्निंग किया हुआ, कितना मैं जो है मेरा माइनस हुआ है, कितना मैं डिपॉजिट हुआ है, सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं विड्रॉ करने के ऑप्शन पे। फिर मैं आऊँगा यहाँ पे एड पेमेंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख से जैसे एक क्लिक सबसे पहले आपको पेन नंबर मांगा जाएगा, पेन कार्ड नंबर आप इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद आपके पास दो तरह के इंटरफेस खुल के आएगा, एक इसमें बोलेगा IMPS मतलब आप अकाउंट नंबर डाल सकते हैं, ये वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको बोलेगा अकाउंट नंबर ऐड करेंगे, अकाउंट नंबर जो भी आपका है यहाँ पर अकाउंट नंबर ऐड करें, साथ में यहाँ पर IFSC कोड लेकिन कैपिटल में लिखिएगा, स्मॉल में बिल्कुल नहीं। ओके, इस पर यदि आपका अकाउंट बनना चाहिए UPI में चाहिए तो UPI वाला ऑप्शन क्लिक करिएगा और यहाँ पर UPI नंबर जो होता है वो आप यहाँ पर वेरीफाई कर दीजिएगा। बस इस पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसलिए आपको कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपका अकाउंट में पूरा पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, अभी मेरे पास फिर 19 रुपया है, मैं ज़्यादा रुपया होगा तो मेरा अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा, मैं अभी कर नहीं रहा हूँ। इसके लिए फिलहाल मैं आपको सही बात बता दूँ ताकि मेरे दोस्तों आपको जो बिल्कुल भी दिक्कत समस्या नहीं हो, बिल्कुल सेफ है यहाँ से आप अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ एप्लीकेशन है ये। ओके, आप अकाउंट में फिर यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल सकते हैं और साथ में आप जो है IFSC कोड डाल सकते हैं, UPI में ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ओके, मेरे आशा कर रहे वीडियो आपका क्लियर हुआ होगा, वीडियो कैसे मुझे कौन हो जो बताइएगा।